प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या विकास योजना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर हुई चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बुलाई बैठक। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय सचिवों व उपाध्यक्षों सहित कई अन्य नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की सराहना। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कई राज्यों के मुख्य सचिवों को डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के दिए निर्देश। मुंबई पुणे रूट पर आज से यात्रियों का सफर हुआ सुहाना। शीशे की छत वाले विस्टा डोम कोच से ले पाएंगे सुंदर नजारों का आनंद। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दो करीबियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को किया गिरफ्तार। देश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया बड़ा ऐलान। मरीजों के इलाज में मदद करने वालों को टैक्स में दी जाएगी छूट। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। बीते 24 घंटों में 64,000 से अधिक मरीज स्वस्थ। रिकवरी रेट 96.72%। देश में कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन की अब तक 31.50 करोड़ से ज्यादा की खुराकें दी गई। बीते 24 घंटों में 61.19 लाख को लगाया गया टीका। विदेश मंत्री एस जयशंकर दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे ग्रीस। द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर करेंगे चर्चा। दुनिया भर में कोविड मामलों की संख्या 18,11,00,000 से ज्यादा। 29,25,000 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानों से अपना भविष्य तय करने को कहा। अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात में कहा, अफगान के लिए अमेरिकी समर्थन रहेगा जारी।